जहां तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, वही अब अच्छी खबर भी सामने आ रही है जिसे आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कोई करिश्मे से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अच्छी खबर, आपके साथ मैं हूँ लाइबा अश्वाग। जहाँ मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इमारतों के मलबे में लगातार लाशें मिल रही हैं, वहीं अभी तक 1 लाख के ऊपर लोग घायल हो चुके हैं। उसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो तुर्की के हेटे प्रांत का है जहाँ एक नवजात बच्ची मलबे में दबे रहने के 128 घंटे बाद जिंदा मिली है। वहीं से पहले NDRF की टीमों ने भूकंप प्रभावित इलाके में 8 साल की बच्ची की मलबे से सुरक्षित निकाला था। वहीं भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 28,000 से लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत दोनों देशों में मदद पहुंचा रहा है। भारत की NDRF की टीमें तुर्की और सीरिया में बचाव कार्यों में लगी हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे आज की खबर के साथ।